और लंका में जब भ्रमण कर रहे थे हनुमान जी, तो एक जगह राम नाम अंकित देखा। किसका भवन था? विभीषण। और विभीषण जी का घर देखते ही हनुमान जी महाराज बोले, भैया ये परदेश में हमारा मित्र कहां से आ गया? हमारे ठाकुर जी का प्रेमी, हमारा मित्र। एकदम हनुमान जी का स्वभाव कितना बढ़िया, सीखिए इससे। हम लोग देखो, जब तुम्हारा मन करे तब देखो। रही है बहुत आवाज, बोलो बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, सब संतन की, बुंदेलखंड महाकुंभ की, अति विष्णु महायज्ञ की जय। जय श्री सीताराम। हमारे परम पूजनीय, परम आनंद में बड़े भ्राता स्वरूप पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिनकी आज्ञा से, जिनकी इच्छा से और जिनके अनुग्रह से हम यहाँ कथन श्रवण कराने के लिए एकत्रित हुए हैं। लोग हमसे पूछ रहे थे, महाराज जी अब कथा बागेश्वर में होगी तो किसको कथा सुनाएंगे वहां? मैंने कि लाखों लोग आएंगे, पर विशिष्ट रूप से तो प्रभु चरित्र सुन वेको रसिया, राम लखन सीतामन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे के सबसे बड़े रसिया तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। लोग हनुमान जी को सिंदूर को चोला चढ़ावे, लोग हनुमान जी को लड्डू के भोग लगावे, लोग हनुमान जी को कोई मुगदल प्रदान करते हैं, हनुमान जी को अकौवा के पत्र पर राम राम लिख करके माला पहनाते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही हनुमान चालीसा में लिख दिया, हनुमान जी को ये सब इतने प्रिय हैं, ये जरूरी नहीं है। हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाओ अच्छी बात है, हनुमान जी को आप लड्डू उनके भोग लगाओ अच्छी बात है, लेकिन इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं ऐसा नहीं है। हनुमान जी तो अति प्रसन्न तब होते हैं जब कोई राम जी का, राघव जी का मंगल चरित्र हनुमान जी को सुनाता है, जब कोई ठाकुर जी की मंगलमय चर्चा सुनाता है तब हनुमान जी को आनंद आता है, तब हनुमान जी को सुख मिलता है। और आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, हम जो है ना बड़े धीमी कथा करने वाले वक्ता हैं, हम ज्यादा ना तो जोर से बोलते हैं और ना ज्यादा, बस ऐसे है सहज सरल स्वभाव में कथा सुनाते हैं, तो आप थोड़ा शांति से श्रवण करना, तभी हम बोल पाएंगे। अभी अभी मन में भाव आया, बोले कि ये भी अच्छा सौभाग्य, दुनिया में इंसानों को तो खूब कथा सुनाई, यहाँ प्रेतों को भी कथा सुनाएंगे। तो यहाँ प्रेत भी कथा सुनने के लिए आए हैं, बीच बीच में वो भी आया करेंगे, उनको भी आनंद आएगा कथा में। तो बहुत ध्यान से सुनिए बंधुओं, हनुमान जी महाराज को ठाकुर जी का चरित्र बहुत प्रिय है, इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि वे लाख काम छोड़ के, करोड़ काम छोड़ के चरित्र सुनते हैं ठाकुर जी का। मैं कथाओं में सुनाया करता हूं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज वरदान मांगते हैं राम जी से, जब सबको लेकर के राम जी अयोध्या से साकेत धाम जाने लगे, हनुमान जी महाराज विमान में नहीं बैठे। राम जी ने कहा आप नहीं चलोगे? बोले नहीं भगवान, हम साकेत नहीं जाएंगे। इसीलिए कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, सतयुग त्रेता द्वापर, और अब कलयुग में भी हनुमान जी पृथ्वी पर ही हैं, कहीं जाते नहीं हैं।
ठाकुर जी लीला करने के लिए आते हैं और लीला करके फिर यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज सप्त चिरंजीवी ऐसे हैं जो पृथ्वी पर ही रहते हैं, उनमें से एक हनुमान जी। लेकिन सबके पृथ्वी पर रहने का कोई ना कोई कारण है। हनुमान जी का कारण सबसे सुंदर है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, राम जी आप हमको साकेत ले जाना चाहते हो, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, साकेत में आपकी कथा मिलती है, आपकी कथा सुनने को मिलेगी साकेत में? भैया मॉनिटर में एक आवाज डाल दो, साकेत में आपकी कथा मिलेगी? राम जी बोले, साकेत में हम प्रत्यक्ष बैठे होंगे, हमको रोज देख लेना, सुबह देखो, शाम को देखो, रात्रि में देखो, जब तुम्हारा मन करे तब देखो, और जहां हम दिख जाते हैं वहां कथा सुनने की इच्छा कहां होती है? अभी अगर कोई आकर के घोषणा कर दे कि भैया यज्ञ पंडाल में साक्षात संघ चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए, तो क्या होगा? सब यहां से भाग जाओगे, यज्ञ पंडाल में हम यहां व्यासपीठ पे अकेले रह जाएंगे कथा सुनाते हुए। ताली क्यों बजाई आपने? बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो तब ताली बजाना। अगर अभी कोई घोषणा हो जाए कि यज्ञ पंडाल में ठाकुर जी प्रकट हो गए तो आप तुरंत भागोगे, और यहां तो बागेश्वर धाम में तो ठाकुर जी की क्या चले, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी अगर पंडाल के उस तरफ खड़े हो जाए तो भाग जाओगे आप। कहने का अभिप्राय क्या है, जहां ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं फिर वहां लोग कथा नहीं सुनते, जहां ठाकुर जी के समान गुण वाले वैष्णव संत जन आ जाते हैं फिर कथा कोई नहीं सुनता, सब वहीं जाते हैं। ये कथा तो इसीलिए सुनी जाती है क्योंकि ठाकुर जी प्रकट नहीं है, कथा सुनकर के हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ठाकुर जी प्रकट हो, इसलिए कथा सुनी जाती है। राम जी बोले, बोले भैया साकेत में तो हम प्रत्यक्ष बैठे हैं, वहां कथा की क्या आवश्यकता है? तो राम जी के चरणों में हनुमान जी महाराज प्रणाम करके कहते हैं, आप मुझे प्राणन से भी प्यारे हो, आप जाओ साकेत, लेकिन आप प्राणों से प्यारे और प्राणों से प्यारे से भी प्यारी आपकी कथा है, उसको नहीं छोड़ सकता हूं। प्राणों से प्यारे आप हैं, लेकिन प्राणों से प्यारे नाथ आपसे भी प्यारी मुझको आपकी कथा है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। इतना प्रेम है हनुमान जी को। बोले इसी के लिए मैं कलयुग में पृथ्वी पर रहूंगा, मैं साकेत नहीं जाऊंगा। राम जी बोले पृथ्वी पर एक एक करोगे क्या? तब हनुमान जी कहते हैं ये श्लोक, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हे नाथ, मेरे पास आठ सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्ध नवनिध के, जोर से बोलो, अष्ट सिद्ध नवनिध के। हाँ, ऐसे बीच बीच में आप बोलते रहेंगे ना तो अगल बगल वाले भी ध्यान से सुनेंगे फिर, और सबका मन लगा रहेगा कथा में, हमारा भी लगा रहेगा। तो अष्ट सिद्ध, आठ सिद्धियां हनुमान जी के पास, महाराज जी कथाओं में सुनाते हैं कौन कौन सी सिद्धियां, सब सिद्धियों के बारे में बताते हैं। लेकिन इस कलिकाल में हनुमान जी महाराज आठों सिद्धि नवनिधि सबका प्रयोग केवल एक चीज में करते हैं, क्या? बोले जहां कहीं भी भारत में भागवत की कथा होती है, राम कथा होती है, ये बात हम व्यासपीठ से बैठ करके बोल रहे हैं, असत्य नहीं होगी, बिल्कुल असत्य नहीं होगी। जहां कहीं भी कथा होती है, चाहे छोटे रूप में हो, बड़े रूप में हो, विशाल रूप में हो, विहंगम रूप में हो, हनुमान जी महाराज एक क्षण के लिए ही सही जाते जरूर हैं, हर कथा में जाते हैं। और सुनिए सुनिए, हनुमान जी कथा में आए हैं हमको कैसे पता चले?
हनुमान जी का कथा में आगमन हो गया है कैसे पता चले? इतने हजारों लाखों श्रोताओं को कथा सुनते सुनते यदि नेत्रों में आंसू आ जाए तो समझ जाना हनुमान जी छू के गए हैं अभी अभी। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन, हनुमान जी कथा में आते हैं उसका प्रमाण है कि श्रोताओं के नेत्रों में आंसू आ जाएंगे। राम जी पहले से ज्यादा प्रिय लगने लग जाएंगे यदि हनुमान जी कथा में आ जाएंगे तो। हनुमान जी कथा में आ जाएंगे तो आपका मन भटकेगा नहीं, तुरंत कथा में लग जाएगा। व्यास जी जो कहेंगे वो सब स्पष्ट लगने लग जाएगा। ये हनुमान जी के आने का सब प्रभाव है। कथा में मन लग रहा है, कथा में भाव जग रहा है, कथा में रुचि आ रही है। महाराज 6:30 बजते ही लगने लग जाए, अरे हो गए 3 घंटे, हो गई कथा विश्राम, ऐसी भावना आने लग जाए। और सबसे बड़ी बात, कथा सुनते सुनते राम जी से हमारे वृंदावन चंद ठाकुर जी से और ज्यादा प्रेम होने लग जाए तो समझ जाना कि हनुमान जी कथा में आए थे। ये हनुमान जी का प्रतीक। प्रसंग सुनाए, हनुमान जी लंका गए और लंका में जब भ्रमण कर रहे थे हनुमान जी तो एक जगह राम नाम अंकित देखा। किसका भवन था? विभीषण। और विभीषण जी का घर देखते ही हनुमान जी महाराज बोले, भैया ये परदेश में हमारा मित्र कहां से आ गया? हमारे ठाकुर जी का प्रेमी, हमारा मित्र। एकदम हनुमान जी का स्वभाव कितना बढ़िया, सीखिए इससे। हम लोग किसको मित्र बनाते हैं? जो धनवान हो उसको मित्र बनाएंगे, यशवान हो उसको मित्र बनाएंगे, कीर्तिमान हो उसको मित्र बनाएंगे। लेकिन हनुमान जी उसको मित्र बनाते हैं जो राम जी का, जो राम जी से प्रेम करे। हनुमान जी कहे, ये हमारो मित्र है, हमारे सखा। हनुमान जी बोले, भैया ये हमारा मित्र लंका में कहां से आ गया? द्वार के बाहर लिखा है राम। हनुमान जी महाराज ने परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके जैसे ही विभीषण जी के घर में प्रवेश किया हनुमान जी ने, हनुमान जी को आते देख ब्राह्मण रूप में विभीषण जी खड़े हो गए। खड़े होकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। एक बार दंडवत प्रणाम की, फिर हनुमान जी को देखा, फिर दोबारा दंडवत प्रणाम की, फिर हनुमान जी को देखा, फिर तीसरी बार दंडवत प्रणाम की, फिर देखें, फिर बार बार प्रणाम करें फिर बैठ जाएं, फिर प्रणाम करें फिर बैठ जाएं। हनुमान जी महाराज बोले, भैया इतनी दंडवत कर रहे हो, तुम हमको जानते हो? हनुमान जी बोले, कहीं इसको पता नहीं चल गई हो कि मैं हनुमान जी हूं? हनुमान जी बोले, विभीषण जी आप हमको इतना प्रणाम कर रहे हो, क्या आप, आपका हमारा कोई पूर्व का संबंध है? आप हमको जानते हो? विभीषण जी बोले, नहीं मैं आपको जानता तो नहीं। बोले, जानते नहीं हो फिर इतनी प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो विभीषण जी कहते हैं, क्योंकि जब से आपने मेरे घर के अंदर पैर रखा है ना, जब से आप मेरे सामने आए हो, जब से मैंने आपको देखा है, तब से मेरे राम जी मुझको पहले से ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, पहले से ज्यादा और प्रिय लग रहे हैं, पहले से ज्यादा और प्रेम हो गया। मैं राम जी से जितना प्रेम करता था उससे कई गुना ज्यादा आपको देखने से वो प्रेम बढ़ रहा है। तो मैं आपको जानता तो नहीं हूं, मेरा आपसे परिचय नहीं है, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, कहां से आए हैं, पर ये जरूर है कि आप जरूर राम जी के दास हैं या उनके कोई सेवक हैं, क्योंकि जब से आप आए हो मेरे प्रेम मेरा राम जी के प्रति बढ़ता जा रहा है। तुरंत हनुमान जी महाराज अपने रूप में प्रकट हो गए और विभीषण को हृदय से लगा। तो हनुमान जी यदि कथा में आएंगे तो निश्चित है कि राम जी पहले जितने प्यारे लगते थे उससे कई गुना ज्यादा प्यारे लगने लग जाएंगे। तो समझ जाना कि हाँ हनुमान जी कथा में आए थे। महाराज जी कथा करते हैं, हम भी कथा करते हैं, कितने सारे वैष्णव कथा सुनकर के प्याज लहसुन खाना छोड़ देते हैं, तिलक लगाना प्रारंभ कर देते हैं, धोती पहनना शुरू कर देते हैं, अपने वेशभूषा ऐसी बना लेते हैं कि उनको देख के ही लगता है कि ये भगवान के भक्त हैं। निश्चित कथा ने अगर आपके जीवन में प्रभाव किया है तो ये बात समझ लीजिएगा, वक्ता की वाणी और हनुमान जी का हाथ दोनों आपके ऊपर है, तभी प्रभाव हुआ है। और माफ कीजिए, चाहे आप बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनिए, चाहे आप किसी अन्य विशिष्ट वक्ता की कथा सुनो, हमारी कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद भी वैसे ही रहे जैसे थे तो समझा ना, हम हनुमान जी तुमसे कम से कम नहीं तो 200-300 मीटर दूर ही बैठे थे, वो पास भी नहीं आए।
तभी तुम पर अनुग्रह कृपा हुई नहीं है। लेकिन धन्य है हमारे बागेश्वर धाम के सब वैष्णव जन, आप सबके मुख को देख करके जैसे हनुमान जी को देख के राम जी प्यारे लगते हैं, ऐसे आप सबको देख करके हनुमान जी प्यारे लगते हैं, हनुमान जी प्रिय लगते हैं। अच्छा एक बात सत्य बताओ, इसका एक प्रमाण दें, हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी चमत्कार एक तरफ रख दो, जो महाराज जी पर कृपा है वो पर्चा बनाते हैं उसको एक तरफ रख दो, कथा एक तरफ रख दो, और भी जो गुण है महाराज जी के सब एक तरफ रख दो, केवल और केवल महाराज जी को खड़ा कर दो, उनको देखने मात्र से ही राम जी प्रिय लगते हैं, हनुमान जी प्रिय लगते हैं, राम सनातन प्रिय लगता है, हिंदू राष्ट्र प्रिय लगता है। तो पूज्य पिताजी महाराज जो बात कह के गए उसमें कोई दोष नहीं है कि ये हनुमान जी के अवतार ही हैं, तभी राम जी प्रिय लग रहे हैं। तो भैया हनुमान जी को कथा बहुत प्रिय है, यहां पर महाशिवरात्रि तक कितने लोग रुकने वाले हैं, हाथ ऊपर करो, सभी रुकने वाले हैं। तो व्यास जी को दक्षिणा दे के जाना ठीक है, और सुनो सुनो सुनो, ताली पहली बजा देते हो, पहले बात सुना करो, दक्षिणा क्या चाहिए हमको कि आप लोग नित्य बालाजी का दर्शन करने जाओ, तो बालाजी को पुष्प नहीं, बालाजी को प्रसाद नहीं, बालाजी को अन्य अन्य वस्तु नहीं, बालाजी को कोई सुंदर सा कथा का प्रसंग वहां जाकर के सुना के आना बस। और देखिए फिर आप लोग मुझे याद करोगे कि महाराज जी ने ये बात कही थी, जिस दिन आप प्रसंग सुनाओगे हनुमान जी को उसी दिन स्वप्न में कोई अद्भुत क्रिया करेंगे हनुमान जी, आनंदित हो जाएंगे, उनको कथा बहुत प्रिय है भैया, इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि बस पूछो मत। इसलिए हनुमान जी को कथा, मैं जब भी आता हूं, मैं कम से कम 6-7 बार आ चुका बागेश्वर धाम पर, और ज्यादा भी आ चुका हूं पता नहीं, मैं हर बार एक ही काम करके जाता हूं कि ऊपर हनुमान जी के पास बैठ करके कोई पद या कोई प्रसंग या कोई लीला निश्चित सुना के जाता हूं, उसी का प्रभाव कि इस बार के महाकुंभ में हनुमान जी ने पकड़ ली, बोले नहीं 7 दिन सुनाओ, अब तुम बैठ के पूरी कथा सुना के जाओ, पूरी कथा सुना। ऐसे ही भैया जैसे मोए पकड़ो है ना, अब हम आप सब बुंदेलखंड के यहाँ कई लोग बैठे होंगे, अब हम ब्रजभाषा भी बोलेंगे बीच बीच में, जैसे मोए पकड़ो है ना ऐसे ही हनुमान जी तुमको भी पकड़ लेंगे, लेकिन लड्डू और ये अकौआ के पत्रंत नहीं, ये तो कथा सुनवे तो ही पकड़ेंगे आप। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड्डू का भोग मत लगाओ, अकौआ के पत्र नहीं चढ़ाओ, आप सिंदूर खूब चढ़ाओ, लेकिन सबके संग कथा का संपुट जरूर लगाओ, हनुमान जी को कोई चरित्र जरूर सुनाओ, हनुमान जी कृपा करेंगे, हनुमान जी अनुग्रह करेंगे। ऐसे हनुमान जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा करते करते बार बार बोले कि श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही अशोक वाटिका में गए, अशोक वाटिका के सुंदर श्वेत पुष्प देख करके हनुमान जी महाराज मचल गए। अब जैसे ही उन्होंने श्वेत पुष्प कहा, श्वेत पुष्प सुनते ही वहां पर हनुमान जी दिव्य प्रकट हो गए और प्रकट होकर के व्यास जी से बोले, बोले आप ये कथा गलत सुना रहे हो, और मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं आपकी कथा में, आप हर बार कथा में ये कहते हो कि अशोक वाटिका के श्वेत पुष्प, श्वेत वहां श्वेत पुष्प नहीं थे, वहां लाल पुष्प थे। व्यास जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ओहो साक्षात हनुमान जी प्रकट हो गए। लेकिन व्यास जी बड़े चतुर थे, उन्होंने हनुमान जी की बात पर राजी ना करके वे अपनी बात थोपने लगे, बोले नहीं नहीं आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। हनुमान जी बोले अभी अपनी गदा का प्रहार कर देंगे, तुम गए थे कि हम गए थे, तुम तो कथा सुना रहे हो, हम तो अशोक वाटिका गए थे, वहां के पुष्प श्वेत नहीं लाल थे। व्यास जी बोले मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, आप गदा का प्रहार नहीं कर सकते, व्यास आए विष्णु रूप आए, व्यास विष्णु स्वरूप होता है, राम जी का रूप होता है,
लेकिन हम अपनी बात पर अटल रहेंगे कि अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। हनुमान जी बोले तुम नहीं मानोगे, अरे हम प्रत्यक्ष अशोक वाटिका में थे, हमारी बात का कोई प्रमाण नहीं। व्यास जी बोले नहीं आपकी बात का कोई प्रमाण नहीं। बोले रुको मैं अभी तुमको प्रमाण देने के लिए अभी अभी किसी को लेके आता हूं। बोले जाओ ले आओ। हनुमान जी महाराज सीधे साकेत गए, साकेत में जाकर के राघव और श्री जानकी जी बैठी थी, चरणों में प्रणाम किया। बोले एक व्यास जी गलत गलत कथा सुना रहे हैं। बोले क्या सुना रहे हैं? बोले वो कह रहे हैं कि अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। मैं तो मां वहां आपके पास आया था, मुझे पता है कि पुष्प लाल रंग के थे, लेकिन वो व्यास जी मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि श्वेत पुष्प है। आप चल करके गवाही दे दो और उनसे जाके कह दो कि पुष्प लाल थे, आपने तो देखे, आप तो अशोक वाटिका में थे। जानकी जी बोली ठीक है हम आते हैं चलो। अब तो महाराज व्यास जी की कथा में हनुमान जी प्रकट हो गए, हनुमान जी के साथ साथ जानकी जी प्रकट हो गए, जानकी जी के साथ राम जी भी प्रकट हो गए, सब प्रकट हो गए। हनुमान जी सबको ले आए और हनुमान जी बोले फैसला कीजिए, ये व्यास जी मंच पर बैठे बैठे गलत बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत थे। मां आप बता दीजिए अशोक वाटिका के पुष्प लाल थे। जानकी जी मंच पर आई, व्यास जी को प्रणाम किया, भागवत जी को वंदन किया। बोले नहीं व्यास जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत ही थे। हनुमान जी महाराज उदास होकर के बैठ गए। बोले ये क्या बात हुई, मतलब व्यास जी मंच पर बैठे तो सब उनके पक्ष में चले गए? मुझे मेरे नेत्रों पर भरोसा है मां, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मुझे पता है वहां के पुष्प लाल थे। जानकी जी ने जाकर के हनुमान जी के सिर पर वरद हस्त फेरते हुए कहा, हनुमान जी पुष्प तो श्वेत ही थे, लेकिन रावण के पुष्प वाटिका में हमको बंधी देख तुमको इतना क्रोध आ रहा था कि तुम्हारे नेत्रों में लालिमा आ गई थी, जिसके कारण श्वेत भी तुमको लाल ही दिख रहे थे। पर वास्तविकता तो हनुमान जी यही है कि पुष्प वहां के श्वेत थे। जब जानकी जी की बात ने मोहर लगा दी तो हनुमान जी महाराज व्यास जी से जाकर के बोले क्षमा कर दीजिए, अब तो माँ भी कह रही है तो वहां के पुष्प श्वेत ही रहे होंगे। तब व्यास जी ने चरण में प्रणाम किया, बोले आज हनुमान जी से न संवाद करने में, हनुमान जी की बात रोकने में, हनुमान जी की बात को नीचे करने में एक प्रभाव तो हुआ कि हमारी कथा में पूरा राम दरबार प्रकट हो गया, और ये सब हनुमान जी की कृपा। भैया हनुमान जी आपके रोग निवृत्त कर देंगे आप कुछ और क्रिया करोगे तो, हनुमान जी आपके बिगड़े काम बना देंगे यदि कुछ और क्रिया करोगे तो, लेकिन हनुमान जी आपके हो जाएंगे यदि हनुमान जी को कथा सुनाओगे तो, हनुमान जी आपके हो जाएंगे। यहां पर इतने रोगी आते हैं, इतने कष्ट निवारण के लिए लोग आते हैं, सब लोग हनुमान जी से कृपा मांगते हैं, हनुमान जी को कोई नहीं मांगता, लेकिन भैया जो कथा सुनाते हैं ना, हनुमान जी स्वयं खुद को दे देते हैं उनको, हनुमान जी उन्हीं के हो जाते हैं।